एक अलग तरह की एक्टिंग और स्टाइल के लिए मशहूर एक ऐसे अदाकार जो एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, साथ ही इन्हें बॉलीवुड में सबसे अच्छे और सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं देव आनंद के बारे में। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और उनका नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। देव साहिब का बचपन परेशानियों में घिरा रहा। बचपन से ही इनका झुकाव एक्टिंग की तरफ रहा। देव साहब ने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा अंग्रेजी साहित्य से लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसकी वजह थी कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर मुंबई में आ गए और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। देवानंद फिल्मी दुनिया के सदाबहार अभिनेताओं में से एक है जिनकी पूरी दुनिया दीवानी है। माना जाता है कि जब देव साहब काले कपड़े पहनते थे तो लड़कियां सुसाइड करने पे उतारू हो जाती थी, इसलिए उनकी ड्रेस पर बैन हो गया था। देव साहब और उनके छोटे भाई विजय आनंद को फिल्मों में लेने का श्रेय उनके बड़े भाई चेतन आनंद को जाता है। देव आनंद गायक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे और अभिनेता बन गए। देव साहब ने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में लगभग 65 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करने की शुरुआत की। अशोक कुमार जी को अछूत कन्या, किस्मत जैसी फिल्मों में एक्टिंग करते देख देव साहब के मन में एक्टिंग करने की आकांक्षा हुई। देव साहब को पहला ब्रेक प्रभात फिल्म स्टूडियोज के बाबू राव पाई ने दिया। प्रभात टॉकीज में देव साहब को फिल्म हम एक हैं में कमला कोटनिस के साथ काम करने का मौका मिला। पुणे में शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती गुरुदत्त से हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर उन दोनों में से कोई एक बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुआ तो वह दूसरे को सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे। और देव साहब ने गुरुदत्त से कहा कि अगर देव साहब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और जब दत्त किसी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो देव उनकी फिल्म में एक्टिंग करेंगे। कुछ वक्त बाद अशोक कुमार द्वारा उन्हें एक और फिल्म में एक बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्त हुई और उनकी फिल्म में काफ़ी सराहना हुई। इस फिल्म में उनके साथ थी कामिनी कौशल। ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई थी और बेहद सफल हुई। 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कंपनी बनाई जिनका नाम उन्होंने नवकेतन रखा। इस तरह देव साहब अब फिल्म निर्माता बन चुके थे। देव साहब ने अपनी फिल्म बनाने का निश्चय किया जिसका नाम था बाजी। यह फिल्म 1949 में रिलीज हुई और काफी हिट रही। यहीं से देव साहब का करियर बनना शुरू हुआ। देव साहब के भाई विजय आनंद और चेतन आनंद भी भारतीय सिनेमा में सफल निर्देशक रहे। देव साहब की पहली फिल्म हम एक हैं थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनका नाम सिमट कर रह गया था देव आनंद। देव आनंद 1950 दशक के बड़े स्टार रहे। बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो रहे हैं देव आनंद। पर्सनल लाइफ में भी वे रोमांटिक रहे। उनकी इस बात का जिक्र उनकी खुद की जीवनी रोमांस इन माय लाइफ में किया गया है। शायद यही वजह है कि जिंदगी को प्यार की इबादत मानने वाले देव साहब को रोमांस का बादशाह कहा जाता है। देव आनंद को फिल्मी दुनिया का सबसे नायाब और महंगा चेहरा पसंद आया। देव आनंद को अपनी जिंदगी में मोहब्बत का एहसास बीते जमाने की सुंदर अभिनेत्री सुरैया ने करवाया था। फिल्म किनारे किनारे की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार का एहसास हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस प्यार की राह आसान नहीं थी। सुरैया मुस्लिम थी, इसलिए उनकी शादी देव आनंद से नहीं हो पाई। दिल के दर्द के साथ देव आनंद आगे बढ़ गए, लेकिन देव आनंद की जिंदगी से सुनापन दूर किया अभिनेत्री कल्पना कार्तिक ने। देव आनंद ने अभिनेत्री कल्पना के साथ
आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 जैसी कई कामयाब फिल्में की। कल्पना देव आनंद के बड़े भाई चेतन की पहली पत्नी थी। अभिनेत्री कल्पना से शादी करने के बाद देव आनंद की जिंदगी को उनके दो बच्चों ने खुशियों से भर दिया। देव साहब को तीसरी बार मोहब्बत तब हुई जब उनके बेटे की उम्र 12 साल की थी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में काम करने वाली अभिनेत्री जीनत अमान का हुस्न देव आनंद को भा गया। इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, लेकिन जीनत ने देव साहब के मन में जगह बना ली। लेकिन इस बार भी उनका प्यार पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दिन देव साहब ने प्यार का इजहार जीनत से किया तो जीनत ने मना कर दिया, क्योंकि जीनत की जिंदगी में किसी और ने जगह बना ली थी। हालांकि जीनत और देव साहब ने कई बेहतरीन फिल्में दी। देव आनंद को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2 बार फिल्मफेयर अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है। देव आनंद को सबसे पहला फिल्मफेयर पुरस्कार साल 1959 में प्रदर्शित फिल्म काला पानी के लिए दिया गया। इसके बाद साल 1965 में फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की फिल्मफेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में देव आनंद को फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। साल 2001 में भारत सरकार की तरफ से इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में हिंदी सिनेमा में देव आनंद के योगदान को देखते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देव साहब भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता है, जिनका निधन लंदन में दिल का दौरा आ जाने से 3 दिसंबर 2011 को 88 साल में हो गया।